नमस्कार। नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है और आज पहला नवरात्रा है। कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरह से फैल चुकी है, तो स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन को ये चिंता भी सताने लगी है कि नवरात्रों के चलते मंदिरों में लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मंदिरों को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। अम्बाला के मंदिरों में किस तरह से कोरोना से बचाव की हिदायतों का पालन किया जा रहा है, क्या अम्बाला के मंदिरों की स्थिति है, इस बात का जायजा लेने के लिए हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त अम्बाला के मंदिरों में मौजूद हैं। तो क्या कुछ वहां की परिस्थितियां हैं, किस तरह के हालात हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो चुकी है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 20 अप्रैल को अष्टमी पूजन यानी कंजक पूजन किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत भी हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर में नवरात्रों के दौरान हम आज मंदिरों का जायजा लेने पहुंचे हैं। अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज की टीम आज जो है जैन रोड पर स्थित दुखभंजनी मंदिर में पहुंची है। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यहां की जो माहौल है वो कैसा है, आखिर यहां पर कितने श्रद्धालु जो हैं वो माथा टेकने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि आपको पहले बता दें कि पहले भी जो है कोरोना काल में नवरात्रों के दौरान बहुत ही कम मात्रा में लोग मंदिरों में आए थे, और यहाँ पर क्या क्या गाइडलाइंस हैं उनकी जो पालना की जा रही है, अभी हम आपको दिखाते हैं मंदिर के अंदर चलकर कि आखिर यहाँ पर जो गाइडलाइंस की पालना की गई है, जो सरकार के हिदायतें गई हैं, उनकी क्या क्या यहाँ पर जो है नियम रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दूर दूर तक की श्रद्धालु बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हैं जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे ही यहाँ पर जो बहुत ही कम मात्रा में श्रद्धालु हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जैन रोड पर स्थित दुखभंजनी माता मंदिर की है, जो काली माँ का मंदिर है। यह अम्बाला शहर का बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो बच्चे जो हैं बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। मास्क है आपका बेटा? तो आप देखिए कि हाँ, मास्क के बिना जो है यहाँ पर लोग घूम रहे हैं। फिलहाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर मास्क पहना है। आपको दिखा सकते हैं मंदिर की जो सजावट है वो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सजावट क्योंकि नवरात्रों में जो है अहम भूमिका यहाँ पर देखी जाती है, क्योंकि नवरात्रों में सबसे ज़्यादा मंदिरों में भीड़ होती है, और मंदिरों में जो सजावट की जाती है उसको हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्टर्स जो लगाए गए हैं, कृपया उचित दूरी बना करके रखें, और ये मंदिर के शुरुआत में ही है ताकि आप लोग पढ़ सकें। यदि आपको बुखार खांसी हो तो मंदिर में प्रवेश मत करें, कृपया मुंह पर मास्क लगा कर रखें। ये जो हिदायतें हैं, जो ये गाइडलाइंस हैं सरकार की ओर से दी गई हैं, यहाँ पर ये पोस्टर्स के अनुसार इन्होंने जो लोगों को बताने की कोशिश की है, ताकि मंदिर में जो लोग प्रवेश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो इन पोस्टर्स को पढ़े और अपना ध्यान रखें, ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जाए। आप देख सकते हैं, कृपया मंदिर की ग्रिल मूर्तियों को स्पर्श न करें। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मंदिर में जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना किस तरह से की गई है। अभी हम यहीं से शुरुआत करते हैं मंदिर में अंदर जाने से पहले, कि जो ये राउंड लगा रखे हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगा रखे हैं, क्योंकि मंदिरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं, और लाइनें जो यहाँ पर लगी होती हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगा रखी हैं। तो आप देखिए कि उचित दूरी पर जो है ये गोले बना रखे हैं, राउंड बना रखे हैं, और ये सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ताकि मंदिर में जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। और आप ये सजावट देख सकते हैं कि कैसे इन पर्दों से मंदिर में सजावट की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिरों में जो कि लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धालु की वह जो उत्साह है वह कम देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर पहले के मुताबिक अब कितना फ़र्क यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर भी शुरू हो चुकी है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है मंदिर के जो मेन गेट है, जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, यहाँ पर सैनिटाइजिंग की जो ये मशीन है वो यहाँ पर रखी हुई है, और क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर की जो घंटी है उस पर कपड़ा बांधा हुआ है, ताकि कोई घंटी ना बजाए, इससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका गया है। और ये गाइडलाइंस जो हैं, ये हिदायतें जो सरकार की ओर से दी गई हैं, कि मंदिर में कोई घंटी नहीं बजा सकता, और मंदिर में जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, ये सब है। तो आप देख सकते हैं कि जो ये टेम्परेचर मशीन है, ये मंदिर में जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं उनके पहले ही, अगर आप यहाँ पर एंटर कर रहे हैं तो वहीं आप पहले अपना टेम्परेचर चेक कराएं, देन उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो ये
मास्क सबने फिलहाल यहाँ पे सबने पहना हुआ है और ये जो हिदायतें हैं, जो ये नियम जो ये लागू किए गए हैं, ये सबके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, ये आपके लिए भी ज़रूरी हैं। अभी हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये काली माता का मंदिर जो है ये अंबाला शहर के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो अभी हम पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मंदिर में क्या क्या जो है हिदायतें दी गई हैं और कितने लोगों की आने की यहाँ पे मंजूरी है और जो है प्रसाद चढ़ावा इसको लेकर क्या नियम बनाए गए हैं। अभी हम पंडित जी से बात करेंगे और जानेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मंदिर में जो यहाँ पर भी अंदर माथा टेकने के लिए यहाँ पर जो ये गोले बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, ताकि उचित दूरी बनी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। ऐसे में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मंदिरों में नवरात्रों में ज़्यादातर जो है वो भीड़ होती है। फिलहाल हम पंडित जी से बात करेंगे। जी पंडित जी। हाँ जी, बोलो साचे दरबार की। पंडित जी, जैसे कि आप जानते हैं कि नवरात्रे जो है अभी कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और पहले भी कोरोना में नवरात्रे आ चुके हैं और अब फिर से जो है वही चीज देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या यहाँ पर देखो, जो सरकार की तरफ से हमारे पास गाइडलाइंस आ रही उसका हम पूरी पालन कर रहे हैं। गोले और सर्कल हमने बना रखे हैं, प्रसाद हमारे पास पैकेट बंद पैकेट चल रहा है जी। तो अभी कितने लोगों के यहाँ पे आने की मंजूरी है? मंजूरी तो ये है कि अंदर भवन में पांच पांच बंदों की अनुमति दे रखी है अंदर के लिए, बाकी बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम बिठा रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो पहले के मुताबिक अब की बार जो नवरात्रे आए हैं और नवरात्रों का आज पहला दिन है, तो श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है, कितनी संख्या? देखो, पहले से तो बहुत कम है श्रद्धालुओं की भीड़ भी, क्योंकि वायरस की वजह से ही कम हो रही है भीड़। क्योंकि पहले के मुताबिक अब कितना फर्क पड़ा है इसमें? बहुत ज़्यादा फर्क है इस बार नवरात्रों पे। ठीक है, और क्या क्या गाइडलाइंस जो हैं वो यहाँ पर की गई हैं, किन किन हिदायतों की पालना यहाँ पर की गई है? सभी जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन कर रहे हैं। सैनिटाइजर है, सभी कुछ है हमारे पास, स्कैनिंग है, मास्क पहन के ही मंदिर में प्रवेश करवा रहे भक्तों को जी। तो जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाहर जो दुकानें लगी हैं नारियल की, प्रसाद की दुकानें लगी हैं, तो ऐसे में प्रसाद चढ़ाना और देना क्या ये है लागू? प्रसाद तो अभी उसमें सूखा ही प्रसाद, जैसे नारियल हो गया सूखा ही, तोड़ चढ़ा नहीं रहे, सूखे ही चढ़ा रहे हैं नारियल को, बस तोड़ के प्रसाद नहीं दे रहे, हलवे का प्रसाद नहीं लग रहा। बाकी हमने पैकेट बंद प्रसाद तैयार किया है, यही चढ़ा है। कुछ श्रद्धालु ऐसे जो कि बिना मास्क के मंदिरों में आते हो? ऐसा तो अभी तक आए नहीं कोई जी, बाकी जो हम कह रहे हैं वहाँ पे जी। चलिए, ये तो आपने सुना कि पंडित जी से हमने बात की और उनसे जाना कि मंदिर में किन किन जो हिदायतें हैं उनका पालना की गई है और श्रद्धालु जो हैं वो मास्क लगाकर आए हैं। तो अभी जो यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर नवरात्रे हैं, नवरात्रों की बहुत उत्साह होता है लोगों को और जानते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्रों का पहला दिन है लेकिन कोरोना काल में मंदिरों में आना, आप कितना सहमति हैं इससे? सेफ्टी तो नहीं, पर मास्क लगा के अपनी सेफ्टी करके आना ही अच्छा है सबके लिए। तो जैसे कि आप बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ना चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, कोई कीर्तन नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इसको आप लेकर क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं है, बस आओ मत्था टेको, अपना चले जाओ अपनी श्रद्धा से। ठीक है, आप क्या कहेंगे इसको? वही जो कहा उन्होंने, वही कोरोना काल में आप जानते हैं कि मंदिरों में आना बहुत कम संख्या में लोगों को आने की मंजूरी है, तो इसको लेकर आप क्या करें? अपनी सेफ्टी से ही है मामा मैम, और कुछ नहीं, अपना करते रहो, उसे मत्था टेकते चले जाओ। आप मास्क लगाकर आते हैं हमेशा? हाँ जी। तो देखा आपने, हमने बात की तो उनका यही कहना है लोगों का कि जब तक आप मंदिरों में आते हैं, अगर यहाँ माथा टेकने आते हैं, दर्शन करने आते हैं माता के, तो यही है कि मास्क लगाकर आओ, खुद की सेफ्टी खुद के हाथ में होती है, आप खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़ कीजिए खुद को। तो अभी जैसे कि हमने आपको यहाँ मंदिर का पूरा जायज़ा लिया और दिखाया कि मंदिर में किस तरह से जो है गाइडलाइंस को लागू किया गया है, फॉलो किया गया है, और मंदिर के पुजारी जी से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत कम संख्या में जो है लोगों को अंदर आने दिया जाता है और मास्क पहनकर ही लोगों को अंदर आने दिया जाता है। हमने आपको दिखाया कि सैनिटाइजिंग की जो मशीन है और टेम्परेचर जो चेक करते हैं वो सब
चेक करके ही श्रद्धालुओं को अंदर आने दिया जाता है। और साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की इसको लेकर क्या तैयारियां थी, नवरात्रों में क्या गाइडलाइंस जारी की गई थी, इसको लेकर हमने CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह जी से बात की, जिन्होंने हमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय उपायुक्त महोदय की तरफ से टीमों का गठन किया गया है और मंदिरों में साफ साफ हर कहीं पे किसी भी तरह का कोई भी कीर्तन नहीं होगा, कहीं पे भीड़ की गैदरिंग नहीं होगी। अगर गैदरिंग होगी तो हमारी टीम ये भी पूरी की पूरी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम बनाई गई है, बाकी सब डिविजन लेवल पर टीम बनाई गई है और थाना लेवल पर टीमें बनाई गई हैं, जिसमें हमारा एक मेडिकल ऑफिसर होगा, एक पुलिस अधिकारी होगा और एक जो होगा जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी BDPO या तहसीलदार होगा, और जो जिला लेवल पे है मेरे एक डिप्टी CMO डॉक्टर राजेंद्र राय और जो DRO डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर हैं कैप्टन विनोद शर्मा और तीसरे एक DSP है जो हेडक्वार्टर हैं, वो तीनों की को जिला लेवल पे मॉनिटरिंग करेंगे और अगर कहीं पे भी हमारे को उल्लंघन होता मिला तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और जो संक्रमण फैलाने वाली धाराएं हैं IPC 269 और 270 के तहत उनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे और जो लोग इन चीज़ों को वायलेट करते मिले उनके खिलाफ। तो सुना आपने, CMO डॉक्टर कुलदीप सिंह ने जानकारी दी कि नवरात्रों के दौरान मंदिरों में लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो और लोग कोरोना से बचाव की सभी हिदायतों का पालन करें, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने मंदिरों को अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप मंदिर में नवरात्रों के दौरान दर्शन करने जा रहे हैं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।